गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 में आज टॉपिक है, टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण का मामला है। हो सकता है कि पेपर में पूछा जा सके कि पूछ दिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व होता है, तो ये भी जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण महत्व के विषय में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आइए शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि पौधे जो जंतु जीव जंतु होते हैं वो पौधों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भोजन प्राप्त करते हैं वो पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक, तो इसलिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर भी प्रकाश संश्लेषण का कुछ महत्व है, जैसे प्रकाश संश्लेषण का भोजन एवं अन्य पदार्थों के उत्पादन में महत्व होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो भोजन एवं अन्य पदार्थ बताइए भी, और दूसरा आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो ऊर्जा का स्रोत है, और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसके द्वारा वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है। अब पहले देखते हैं भोजन एवं अन्य पदार्थ। हम लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ मिलकर कार्बनिक पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जब उन्हें इसकी प्रकाश में परिवर्तन होता है तो उसमें रिएक्शन थी 6CO2 + 6H2 = C6H12O6 ठीक +6O2। तो वही है कि जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ मिलकर कार्बनिक पदार्थ का अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन की प्राप्ति होती है सभी जीव जंतुओं को, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो जीवधारी हैं उनको जो है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ों की भी प्राप्ति होती है। तो और कुछ और भी पदार्थ होते हैं, जैसे सेलुलोज है या और भी चीज़ें होती हैं, तो उन सब की भी प्राप्ति होती है। दूसरा आता है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत क्या होता है कि हम लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें सूर्य की प्रकाशित ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो सूर्य की जो प्रकाशित ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है, और यही रासायनिक ऊर्जा पेड़ पौधों में संचित रहती है। जब यही पेड़ पौधे करोड़ों वर्षों तक भूमि के नीचे दबे रहते हैं, भूमि के नीचे जब दबे रहते हैं तो इनके जीवाश्मीकरण से, पेड़ पौधों के जीवाश्मीकरण से क्या होता है कि पेट्रोलियम, कोयला और भी बहुत से ऊर्जा के साधन प्राप्त होते हैं। तो जितने भी पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सब चीज़ें जो प्राप्त होती हैं ये सब पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। तो ये पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं क्योंकि इनमें जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा जो प्रकाशित ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में उनमें संचित होती है, जो हम लोगों को आगे चलकर जीवाश्मीकरण द्वारा एक अपार ऊर्जा के भंडार के रूप में प्राप्त होती है। तीसरा आता है वायुमंडल का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फियर। हम लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो जब ऑक्सीजन मुक्त होती है तो ऑक्सीजन के द्वारा ही, यह ऑक्सीजन स्टोमेटा द्वारा जो है पेड़ पौधों से बाहर निकल जाती है और वायुमंडल में चली जाती है। तो जो ऑक्सीजन वायुमंडल में पहुंचती है वो वायुमंडल का शुद्धिकरण करती है। तो ये तीन जो विशेष महत्व है प्रकाश संश्लेषण के, इनके विषय में हम लोगों ने जाना। इसको आपको कॉपी पर लिखना भी है, समझना भी है, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।